दोस्तों नमस्कार, ललित कला संवाद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम जिस जगह पहुँचे हैं वो एक बहुत ही ख़ास जगह है, मेरे लिए तो ख़ासकर है ही, आप सभी के लिए भी, क्योंकि ये जगह है ललित कला संवाद के शुरुआत होने की पहली सीढ़ी, जहाँ से हमने संवाद कार्यक्रम शुरू किया था। तो आइए संवाद से जुड़ते हैं। दोस्तों मैं जिक्र कर रहा था ललित कला संवाद की उस जगह की जहाँ पे हम आज पहुँचे हैं। तो यहाँ का नाम है जवाहरलाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय शिमला। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है ये ललित कला महाविद्यालय, जो फिलहाल तो कोटशिरा महाविद्यालय के प्रांगण में अवस्थित है। बहुत जल्दी यहाँ से अपनी नई जगह पे जो ललित कला महाविद्यालय बन रहा है बनूटी के साथ, यहाँ पे लोहरा जगह है एक, वहाँ के लिए शिफ्ट होगा ये तो। लेकिन एकमात्र महाविद्यालय होने के नाते यहाँ पे किस तरह बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं इसके बारे में आप देख पाएंगे। सर्वप्रथम उस राग के जो नियम है हमें उसे शास्त्रीयता का ध्यान रखना पड़ता है कि राग का बाद संवाद, राग के न्यास के स्वर, और ऐसी कोई फ्रेजेज या ऐसी कोई राग में ऐसे स्वरों का प्रयोग ना हो जो उस राग की शुद्धता को खराब करता हो। तो इन बातों का बहुत सा ध्यान रखते हैं और फिर उसको विधिवत, जैसे हम शास्त्रीय संगीत में अलाप, फिर विलंबित ख्याल, उसके बाद थोड़ी मध्य लय या द्रुत में जाते हैं, तो उस तरह से बढ़त का ध्यान रखते हुए, लेकिन बढ़त में राग में उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें कि जिन स्वरों पे ज़्यादा न्यास है उनका प्रयोग कैसे करना है, जिन पे अल्प प्रयोग है उनका प्रयोग कैसे करना है। उन सारी बातों को हम ध्यान रखते हुए चलते हैं, तभी बच्चों को सिखाते हैं, खुद भी इनके साथ सीखते हैं। Thank you.
सितार तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर बच्चे के पास अपना ना हो तो बच्चा कैसे रियाज करे, क्योंकि वैसे तो रियाज हमें हर विधा में करना होता है, लेकिन सितार एक ऐसा वाद्य है, और सितार ही क्यों, जितने भी हमारे वाद्य हैं, जब तक हम उन वाद्यों पर बैठेंगे नहीं तब तक हम उसका रियाज नहीं कर सकते। और जैसे कि गायन वाले तो चलो गा के बच्चे कर लेते हैं रियाज, हर कहीं बैठ जाएंगे कर लेंगे, पर वादन वाले के लिए एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, फिर उसके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और तब जाके वो रियाज कर पाता है। तो सबसे बड़ी कठिनाई तो सर यही आती है कि बच्चों के पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि खरीद भी नहीं पाते हैं, तो काफ़ी हद तक ये समस्या इंस्टीट्यूशन में सॉल्व हो जाती है, क्योंकि महाविद्यालय में जैसे संगीत पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो बच्चे यहाँ पर आके मोस्ट ऑफ द टाइम रियाज करते हैं और काफ़ी हद तक पारंगत भी हो जाते हैं।
ये अभी बच्चों ने जो ताल बजाई है ये ताल तीन ताल है, ये 16 मात्रा की ताल है। इसमें शुरुआत में इन्होंने पेशकार बजाया, उसके बाद कायदा एक बजाया है और उसके बाद कुछ टुकड़े बजाए हैं। तो मेरा जो ध्यान रहता है सबसे पहले वो बोलों के निकास पे है। बच्चों को सबसे पहले हम रियाज के बोल देते हैं, फ़र्ज़ करो जैसे तक तक दरिकट है ना, धाती धागे धिना गिना। तो जितना बोल उनके साफ होंगे, निकास उनका साफ होगा, उतना अच्छा वो आगे प्रेजेंट कर पाएंगे। सबसे पहले तो जो हमारा ध्यान केंद्रित रहता है वो निकास पर रहता है कि उनका निकास सही होना चाहिए जो वो बजा रहे हैं। दर्शकों, ललित कलाओं की विधाओं में एक विधा आती है मूर्ति कला, स्कल्पचर जिसको हम बोलते हैं। तो वैसे तो ललित कलाओं में अगर आप गौर से देखें तो जितनी स्थूल कला होगी उतनी वो बाद बात में पहुंचती है, और जितनी सूक्ष्म कला होगी वो पहले पाए पे पहुंचती है। तो लेकिन क्योंकि ललित कलाओं की विधाओं में ये सारी कलाएं निहित हैं, तो हमारे जो फाइन आर्ट्स कॉलेज शिमला वाला है जहाँ पे इस वक्त हम शूट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आप देख पा रहे हैं पार्श्वों में। मिट्टी को नई नई धार देते हुए नई नई आप देख सकते हैं कि शक्लें बना रहे हैं किसी न किसी चीज़ में। तो ये काफ़ी मुश्किल कला है क्योंकि मिट्टी, पानी और जो भी सामग्री इसमें लगती है, तो चार कक्षाओं में, जैसे कि यहाँ पे चार साल का ये बीए का कोर्स है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का, तो इसमें आप बच्चों को देख पा रहे हैं कि ये कितना मुश्किल काम है। बल्कि क्योंकि सामग्री ज़्यादा है तो इसलिए इसको और भी ज़्यादा मुश्किल माना जा सकता है। ये महाविद्यालय 2015 में अस्तित्व में आया। शायद इस महाविद्यालय को खोलने के पीछे एक सोच थी कि आज के विज्ञान के युग में ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को विज्ञान साइड को या और विधाओं में डालने की कोशिश करते हैं और बच्चा अपना पैशन के पीछे जा नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि जब तक अपने पैशन के पीछे बच्चा ना जाए तब तक वो सेटिस्फाई नहीं रहता है लाइफ में, वो फोर्सिबली बाकी सब्जेक्ट पढ़ लेता है। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट डांस में है या संगीत में है या मूर्तिकला में है, अप्लाइड आर्ट्स में है, तो इन्हें पढ़ने के लिए शायद एक एज सब्जेक्ट तो कुछ कॉलेजेस में चल रहा था, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड डिग्री के लिए कोई भी कॉलेज हिमाचल प्रदेश में नहीं था। तो ये कॉलेज शायद इन्हीं की उभरती हुई प्रतिभाओं को उभारने के लिए या जो सुप्तावस्था में हमारी बहुत सारा ज्ञान जो है इन विधाओं के रिगार्डिंग होगा उसे उभारने के लिए इस महाविद्यालय का गठन किया है। और हमारे प्रदेश में वैसे भी हम देखते हैं कि साउथ से अगर हम कंपेयर करें या और स्टेट से कंपेयर करें तो मुझे ये लगता है कि डांस है या संगीत है उस तरफ बहुत कम रुचि है विद्यार्थियों की। और अब जब से ये महाविद्यालय खुला है तो एक 4 ईयर डिग्री कोर्स जो इस महाविद्यालय में चल रहा है, और मैं देखती हूँ कि धीरे धीरे हमारे जो पेंटिंग इस महाविद्यालय का एक सब्जेक्ट है, हमारी पूरी सीट्स जो हैं पेंटिंग की फुल जाती हैं, हमारी पूरी सीट्स जो हैं अप्लाइड आर्ट्स की फुल जाती हैं। धीरे धीरे जो इंस्ट्रूमेंटल और वोकल में भी विद्यार्थियों का रुझान हो रहा है, वो एज सब्जेक्ट बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, लेकिन एक पूरी 4 साल का एक पूरी डिग्री लेने के लिए वो इस महाविद्यालय में आ रहे हैं और उभरते हुए कलाकार हैं। और मैं
उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में अपनी साधना से ये बच्चे ज़रूर अपना मुकाम हासिल करेंगे। अभी इतनी जानकारी जागरूकता नहीं है हमारे कॉलेज के बारे में और कथक विषय के बारे में, तो हमारी सीटें अभी कुछ खाली रह जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएँ, उसके बाद छात्रों से यही अपेक्षा की जाती है कि वो रूटीन में आएँ और जिन जिन जो बातें हमने गुरुओं से सीखी हैं वो उनको बताते हैं, टाइमली आना, रियाज करना या किस तरह का ड्रेसअप उनका होना चाहिए। तो ये हम आशा करते हैं कि उनका ड्रेसअप अच्छा हो, उनका रूटीन आने जाने का अच्छा हो, रेगुलरिटी हो और जो काम है वो उसको पूरा करें। ललित कला संवाद के माध्यम से सभी को या सब जो भी इनके दर्शक हैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ललित कला में कोई ना कोई चाहे एज अ हॉबी जो है वो उसके अंदर डालें, और बच्चा आपका अगर इससे में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, चाहे नृत्य में, चाहे डांस में, चाहे तबला में या इंस्ट्रूमेंटल वोकल में, तो बच्चा कभी भी आपका भटकेगा नहीं, वो एक साधना में लग जाता है। और आज के इस दौर में जब बहुत सारे युवक जो हैं, युवतियां जो हैं या बच्चे जो हैं भटक रहे हैं और नशे की तरफ जा रहे हैं, अगर बच्चे का इंटरेस्ट और उनकी हॉबी को आप पहचानें और इन क्लासेस के अंदर आप डाल दें तो बच्चा उस भटकाव से बच सकता है।
है।